गाइस, तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, मतलब जो कि नया एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव किए हैं। सो उसके बारे में देखेंगे आज। जैसे कि पहले 10+2 सिस्टम थे, सो अभी वो सिस्टम नहीं है, अभी 5+3+3+4 सिस्टम है। आज इसके बारे में देखेंगे। और इसके जो स्कूलिंग है वो 12 ईयर्स के टोटल स्कूलिंग है, और प्लस 3 ईयर्स के आंगनबाड़ी या प्री स्कूल है उससे है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले जो जो इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि ये सिस्टम को मतलब 4 स्टेज में डिवाइडेड किया है, जैसे फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। ये स्टेज में देखेंगे कि मतलब कैसे कैसे है। जो कि फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज को भी 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है। 3 ईयर्स आंगनबाड़ी या तो प्री स्कूल जिसको बोलते हैं उसको, और प्लस 2 ईयर्स मतलब प्राइमरी स्कूल ग्रेड्स जैसे 1-2 के लिए है। अब इसके लिए जो एज होगा वो 3 to 8 ईयर्स के बच्चे इधर में होंगे फाउंडेशन स्टेज में। और जो अगला है वो प्रिपरेशन स्टेज, उसमें है ग्रेड्स 3 to 5 तक पढ़ाएंगे इधर में, और एज जो होंगे स्टूडेंट के वो 8 to 11। और जो थर्ड स्टेज है वो मिडिल स्टेज बोलते हैं इसको, और इसके ग्रेड्स जो है 6 to 8 ग्रेड्स मतलब क्लास रहेंगे, और एज 11 to 14। लास्ट नंबर है फोर्थ नंबर ग्रेड है सेकेंडरी स्टेज। इसमें ग्रेड मतलब 9 to 12 तक है, जिसमें 2 फेज में डिवाइडेड किए, 9 और 10 को एक फर्स्ट फेज में रखे और 11 एंड 12 को सेकेंड फेज में रखे है। और जो इसके एज ग्रुप रखे है वो 14 to 18 रखे। इससे हम लोग को फ़ायदा क्या होगा, स्टूडेंट के जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छे होंगे, सब्जेक्ट अच्छे से चूज कर सकेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे होंगे। मतलब इधर में ये सिखा रहे हैं कि ये नया एजुकेशन सिस्टम में मतलब आप एक सोर्स में डिपेंडेंट ना रहे, कि पहला वो दिन गए कि आपको जॉब मिले सो में आप डिपेंडेंट रहेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्लास 5 से कोडिंग सिखा रहे हैं इसमें, और बहुत सारे कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, जैसे इंटर्नशिप भी सिखा रहे हैं इधर में। जैसे कि अभी के एज में जैसे हम लोग को देख लीजिए कि इंटर्नशिप कहाँ में मिलते हैं, कॉलेज में जाके मिलते हैं। इधर में ऐसा नहीं है, आपको स्कूल लेवल में इंटर्नशिप भी सीखने के लिए मिलेगा, इंटर्नशिप करने के लिए मिलेगा। और बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट है। आज एक एक करके ये सब डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सा क्या में क्या क्या कर सकते हैं। और जो आप सोचेंगे कि अभी बोर्ड एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम का क्या होगा 10 12 के, वो जैसे थे वैसे रहेंगे, बट उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ चेंज करेंगे। जैसे आपको अभी कोचिंग वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दूसरा बेसिस में सेट करेंगे वो लोग एग्ज़ाम। और जो यूजी कोर्सेज के लिए थे वो 3 to 4 ईयर्स के रहेंगे बैचलर डिग्री, और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थे वो 1 to 2 ईयर्स के रहेंगे। और एमफिल जो डिग्री थे उसको मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया, उसको हटा दिए है। अभी देखेंगे कि मतलब ये 4 स्टेज जो है इसमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, एक एक स्टेज को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि फाउंडेशन स्टेज में क्या सीखने के लिए मिलेगा, प्रिपरेटरी स्टेज में क्या सीखने के लिए मिलेगा, मिडिल स्टेज में क्या सीखने के लिए मिलेगा, सेकेंडरी स्टेज में क्या सिखाएंगे वो लोग। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। फर्स्ट शुरू करेंगे फाउंडेशन स्टेज। ये बेसिकली एक फाउंडेशन स्टेज ही है, जहाँ में मतलब 5 ईयर्स के है, 5 ईयर्स के मतलब कोर्स है इधर में। मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड ऑन लर्निंग, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज आपको लर्निंग सिखाएंगे। ये बेसिकली आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या तो प्ले स्कूल जिसको बोलते हैं उसमें होंगे, और जो इसमें 1-2 के ग्रेड के स्टूडेंट होंगे, एज ग्रुप 6 to 8, वो लोग को मतलब क्या करेंगे, वो प्ले बेस या एक्टिव बेसिस से मतलब वो लोग को सबसे वो लोग को मतलब लैंग्वेज में डेवलप करने के लिए फोकस करेंगे। लैंग्वेज सिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग को इजीली मतलब लैंग्वेज कैच करना आ जाता है, इजीली लैंग्वेज सीख जाते हैं नए नए लैंग्वेज। इस फेज में वो लोग को लैंग्वेज ज़्यादा प्रिफर करेंगे लैंग्वेज सिखाने के लिए। और जो सेकेंड स्टेज वो प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें भी ऐसा ही कुछ है, मतलब लैंग्वेज है उसको अच्छे से और डेवलप करेंगे, और मेरी सी स्किल डेवलप करेंगे, मतलब जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो सब डेवलप करना शुरू करेंगे। जो बच्चे होते हैं वो सब में मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ज़्यादा करने के लिए मन होता है इस एज में। इंटर मतलब लर्निंग प्रोसेस को भी चेंज करेंगे, जैसे कि अभी वो पहले ऐसा क्लासरूम में सिर्फ टीचर पढ़ा के रहेगा ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग ज़्यादा प्रिफर करेंगे इस स्टेज में। और इसमें क्या है, मदर टंग आपको मतलब 5 स्टैंडर्ड तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा, मतलब ऑप्शनल रहेगा आपका मदर टंग। उसके लिए भी एक
प्लस पॉइंट है, और जो वो मदर टंग छोड़ के और दो एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखाएंगे आप लोग, मतलब उस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को, सो जो मतलब इजीली मतलब प्रॉफिटेबल हो और कुछ कुछ जिससे हमको फ़ायदा मिले, सो ये बहुत ही अच्छा है। सो ये देख के तो मतलब हम सिस्टम मतलब जो नए के पॉलिसी क्या किया है, सो उससे देख के तो अभी हम लोग को भी जेलसी फील होता है कि ये काश पहले और आ जाता हम लोग का टाइम में। सो जो तीसरा है वो मिडिल स्टेज है, सो इसके जो एज ग्रुप है वो 11 to 14 है। तो इसमें क्या करेंगे, एक्सपीरियंस लर्निंग सिखाएंगे। सो जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे पहले, मैथ, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, जो सब है वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिखाएंगे। और इस स्टेज में क्या करेंगे, इंटर्नशिप जैसे कुछ ये लोग इम्प्लीमेंट किया है, सो वो सब भी सिखाएंगे। इंटर्नशिप जो हम लोग को बेसिकली कॉलेज में जाके मिलता है अभी इंटर्नशिप करने के लिए। सो इस स्टेज में जो जो रहेंगे सो वो लोग को पहले से सीखने के लिए मिला है, सो बहुत एडवांस हो रहे हैं। और जो पहले भी बता चुके हैं मैं कि क्लास स्टैंडर्ड 5 से जो है वो कोडिंग सिखाने के बात किए हैं इस क्या में। जो अगला है वो सेकेंडरी स्टेज है, सो सेकेंडरी स्टेज बेसिकली मतलब दो फेज में डिवाइड किए, पहले भी बोल चुके। सो इसमें मतलब कोई स्ट्रीम वाइज कुछ नहीं रहेंगे, जैसे अभी अभी के टाइम में है प्लस 10 के बाद है जो जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सो इसमें कोई स्ट्रीम वाइज नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट लेके किसी के साथ भी सब्जेक्ट लेके आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मैथ्स के साथ आर्ट्स का हिस्ट्री लेना है या कॉमर्स का अकाउंट्स लेना है, सो कुछ भी ले सकते हैं आप, आपके जो इंटरेस्ट है सो उस बेसिस में। सो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू, टेक केयर।